सियासत ना अपनी जो ऑपोजिशन है ना उसके लिए रखें, स्पोर्ट्स में ना रखें, क्रिकेट को इंटरनेशनली मिलाएं, जो जिस ओहदे पे बैठे हुए मिलाएं, क्रिकेट होने दें। पाकिस्तान में एशिया कप होना चाहिए, नहीं तो मैं तो ये कहूंगा कि पाकिस्तान को उनके साथ किसी इवेंट में नहीं खेलना चाहिए, इवेंट इंटरनेशनल इवेंट हो, चाहे वर्ल्ड कप हो, चाहे आईसीसी का हो, चाहे एशिया कप का हो। अभी जो 23 को मैच है, अगर वो वापस नहीं लेते स्टेटमेंट, तो 23 को भी मैं कहूंगा कि नहीं खेलना चाहिए। तनाई का शिकार, अपनी तनाई को इंडिया में क्यों ढूंढते हैं? सबसे पहली बात तो ये कि आप अपने पैरों में कब खड़े होंगे? वो इतराज करेंगे मगर चारा कोई नहीं, वो कहेंगे नहीं खेलते। अगर इंडिया पाकिस्तान इंडिया नहीं पार्टिसिपेट करता एशिया कप में, तो एशिया कप क्या हुआ? तो फिर ये बात इनको माननी पड़ेगी। बड़ी बड़ी टीमें पाकिस्तान आ चुकी हैं, यहाँ खेल चुकी हैं, लेकिन भारत की जानिब से अब भी नाना इख्तियार की जा रही है। अगर नरेंद्र मोदी जो है इंडिया का जो वजीर आजम है, वो पाकिस्तान के क्रिकेट को चला रहा है, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं होते। तो उन्होंने कहा जो आईसीसी में पैसे देते हैं, उसमें इंडिया भी बहुत ज़्यादा पैसा देता है, ठीक है, तो हम जो है वो उस पैसे में से पाकिस्तान को भी पैसा आता है। बॉटम लाइन ये और सच्चाई ये है कि मनी टॉक्स, इंग्लिश में कहते हैं मनी टॉक्स, उर्दू में कहते हैं पैसा बोलता है भाई। जिसका जिसकी लाठी उसकी भैंस, पैसा उनके पास है, वो जो चाहे कर ले। छोटा सा क्लिप देखा, यहाँ पर आप कामरान अकमल का भी क्लिप देख सकते हो, जो बात कर रहे हैं ना उस पर अगर ये खड़े रहे तो मान जाएंगे। 2016 T20 वर्ल्ड कप भारत में हुआ था, आपको याद है, पाकिस्तान की टीम ने ऐसी एक्टिंग की थी, हम नहीं आ रहे, बिल्कुल नहीं आ रहे खेलने के लिए, इस तरीके की एक्टिंग की थी। उसके बाद क्या हुआ, ये खुद आ गए। तो यार सीरियसली मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, ये लोग बड़े ड्रामेबाज हैं। भारत बायकॉट कर सकता है, लेकिन तुम्हारी औकात नहीं है बायकॉट करने की, कि तुम 2023 50 ओवर वर्ल्ड कप जो भारत में होना है उसको बायकॉट कर लो। पावरफुल जो लोग हैं ना, वही ये सब कदम उठा सकते हैं, तुम पावरफुल नहीं हो। पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, मामला क्या है। आपको पता है एशिया कप 2023 जो पाकिस्तान में होना है उसको लेकर भारतीय गवर्नमेंट ने बोल दिया है भारतीय टीम नहीं जाएगी पाकिस्तान खेलने के लिए, कोई टीम नहीं जाएगी, ना बी ना सी, कोई टीम नहीं जाएगी। पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के लास्ट में करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल में बात। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ, पाकिस्तान में आके खेलने से इनकार कर दिया है, और इस पर बहुत सारे सवालिया निशान जो हैं वो उठाए जा रहे हैं कि ऐसा भारत ने क्यों किया है। एक तरफ तो हम अच्छी अच्छी पिक्चर्स शेयर कर रहे होते हैं बाबर आजम की विराट कोहली के साथ, दूसरी जानब ये प्रोपोगंडा क्यों हो रहा है? ये कौन सा प्रोपोगंडा? ये प्रोपोगंडा कि पाकिस्तान नहीं आके खेलना, कोई और दूसरा होगा, यूएई में खेल सकते हैं आप, श्रीलंका ले जाएं वहां खेल सकते हैं, लेकिन यहां नहीं खेल सकते। क्या पाकिस्तान भी ऐसा ही करेगा या करना चाहिए इस तरह? नहीं, देखिए ऐसे है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल एक आईसीसी का हिस्सा है, मगर थोड़ी सी इंडिपेंडेंट भी है। इस वक्त सिर्फ इंडिया कह रहा है कि नहीं जाना, तो लगता है ऐसे है कि सारे मैचेस पाकिस्तान में होंगे, और इंडिया के जो मैचेस हैं पाकिस्तान के साथ या किसी और के साथ, वो या श्रीलंका में होंगे या दुबई में होंगे। और मेरा ये ख्याल है कि ये पाकिस्तान बीसीसीआई ये पीसीबी मान जाएगा इस बार। अच्छा, कोई इतराज़ नहीं? क्योंकि हाँ, वो इतराज़ करेंगे मगर चारा कोई नहीं, वो कहेंगे नहीं खेलते। अगर इंडिया पाकिस्तान इंडिया नहीं पार्टिसिपेट करता एशिया कप में, तो एशिया कप क्या हुआ? तो फिर ये बात इनको माननी पड़ेगी। हाँ, अगर ये हुकूमत शहबाज शरीफ साहब और नरेंद्र मोदी की आपस में बात हो जाए कि क्रिकेट के तल्लुकात बहाल करने हैं, तो फिर ये सब कुछ हो सकता है। जो इंडिया है उसके जो बीसीसीआई है, जो उसने ये कहा है कि दे आर नॉट गोइंग टू कम टू पाकिस्तान, और उन्होंने बीसीसीआई के जो जय शाह हैं उन्होंने कहा है कि जो आई थिंक एशिया कप 2023 में हो रहा है, जो कि पाकिस्तान होस्ट करेगा, उसको न्यूट्रल वेन्यू पे शिफ्ट कर दें। और जो अब जारी बात है, ये अब पाकिस्तान ने भी उसके ऊपर डिसअपॉइंटमेंट शो की है और इस तरह की सारी चीज़ें। और अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है जो हो रही है। अब पाकिस्तान ये कहता है कि जी आपने अगर ये करेंगे तो हम भी आपके साथ ये करेंगे, लेकिन क्या इंडिया को इसका फ़र्क पड़ेगा या पाकिस्तान को किसका ज़्यादा फर्क पड़ेगा? पाकिस्तान कहता है जी कि हमने तो इंग्लैंड की सीरीज़ भी की है, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ भी की है, और इंडिया का इस तरह ये करना जो है वो ज़्यादती है। और जारी बात है, इस मैं देख रहा था कि शायद जो क्या नाम है उसका, एक वर्ल्ड कप भी होने वाला है, और शायद उसमें वो कोई इंडिया भी उसमें अपना जो है वो ये कह सकता है कि अगर पाकिस्तान जो है वो नहीं आ रहा तो वो भी कंप्लेन करके कर सकता है। लेकिन अगर पाकिस्तान ये करेगा, ठीक है जी, तो फिर जारी बात है ये टेट फॉर टैट है, और ये एक नई लो है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान।
तो आपको उनका लीडरशिप का माइंडसेट पढ़ना चाहिए और दुनिया के सामने जाके कंप्लेंस नहीं करनी चाहिए। बस ठीक है वो अपने घर, आप अपने घर, आपको नहीं पता कि वो बात नहीं करना चाह रहे, जब क्रिकेट खेलना होगा, जब उन्होंने करना होगा वो कर लेंगे खुद ही, जब वो करेंगे तो आप खामोश रहिएगा, ऐसी कौन सी बात है। आप ये जो चीज़ें हैं, मेरा ख्याल है दुनिया के सामने कंप्लेन शम्प्लेन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। रमीज़ राजा ने मुझे मुझे क्या एक दफ़ा नेशनल असम्बली में आके मैंने बताया था, एक स्पोर्ट्स कमेटी में आके बताया था कि भाई अगर नरेंद्र मोदी जो है इंडिया का जो वज़ीर आज़म है वो पाकिस्तान के क्रिकेट को चला रहा है क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं होते, तो उन्होंने कहा जो जो आईसीसी में पैसे देते हैं उसमें इंडिया भी बहुत ज़्यादा पैसा देता है, ठीक है, तो हम जो है वो उस पैसे में से पाकिस्तान को भी पैसा आता है, ठीक है जी। अब ठीक है अगर पाकिस्तान कहता है जी बायलैटरल आपने नहीं खेलनी तो ना खेले, लेकिन एटलीस्ट जो मल्टी टीम टूर्नामेंट होते हैं ये बेसिकली ये नहीं होना चाहिए, टेक्निकली तो ये नहीं होना चाहिए, लेकिन देखें इंडिया जो है वो ये बोझ उठा सकता है, इंडिया ये बोझ इसलिए उठा सकता है बिकॉज इंडिया के पास रिसोर्सेज हैं, वो भले पैसा देते हैं। विश्व कप खेलने के लिए पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया है। जो एसीसी के सदर हैं जय शाह, उन्होंने अपने तौर पे ये फैसला कर लिया है कि जनाब इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आएगी, और इस फैसले से इस खत्ते के क्रिकेट पे, एशिया की जो क्रिकेट है उस पर क्या असरात मुजम्मरात और इसके सम्राट होंगे, यकीनी तौर पर ये देखना होगा, क्योंकि अब जो है एक खुल के बात सामने आ गई है कि किसी भी सूरत में इंडिया जो है वो पाकिस्तान खेलने आना नहीं चाहता। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर इजलास का सिलसिला जारी है, मीटिंग्स हो रही हैं और चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड जो है वो अपने कुलीग के साथ और जो गवर्निंग बोर्ड के मेंबरान हैं उनके साथ बैठ के इस अगला लाहे अमल तय कर रहे हैं कि अब इतने बड़े डिसीजन के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अगला मौकफ क्या होगा, क्योंकि हमें और आप सबको याद है कि रमीज राजा साहब जब चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं थे उस वक्त उन्होंने यह कहा था कि बिग थ्री की तजवीज को मान लेना चाहिए और इंडिया के साथ हमें अपने क्रिकेट के रवाबित को बेहतर करना चाहिए, और उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की कि इंडिया के साथ हमारे क्रिकेट के रवाबित को बेहतर किया जा सके, लेकिन दूसरी तरफ से हमें कुछ उस अंदाज का जो है रिस्पांस नहीं मिल सका। देखिए यार आप अपनी तनाई का शिकार, अपनी तनाई को इंडिया में क्यों ढूंढते हैं? सबसे पहली बात तो यह कि आप अपने पैरों पर कब खड़े होंगे? आप अपने पैरों पर खड़े होंगे तो आप दूसरा अगर पड़ोस में कोई ऊंची आवाज में आए। तो दोस्तों ये वीडियो यहां पर होता है खत्म। आपने देखा किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन, पाकिस्तान के एक्स क्रिकेट का रिएक्शन आ रहा है, बहुत सारे लोगों का रिएक्शन आया यार, अभी तो बहुत सारे वीडियो अपलोड होने इस टॉपिक पर। तो यार आप देख सकते हो किस तरीके से पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि हम पाकिस्तान में अगर भारत 2023 में जो एशिया कप होना है वो खेलने नहीं आता है तो पाकिस्तान की टीम भी नहीं जाएगी खेलने को। कहाँ नहीं जाएगी? पाकिस्तान की टीम भारत नहीं जाएगी, भारत में होना 50 ओवर का वर्ल्ड कप, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी, ऐसा बोलना है किसका? पाकिस्तान के कुछ जर्नलिस्ट का। यार अब हो सकता है क्या सीन हो, 2023 का जो एशिया कप है वो यूएई में शिफ्ट हो, इसके अलावा पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं। एक ऑप्शन और हो सकता है, भारत के मैच हों और फाइनल में अगर भारत पहुँचता है तो वो भी मैच यूएई में हों, ये ऑप्शन हो सकता है पाकिस्तान अगर इसमें एग्री करता है तो, और बाकी जो मैचेस हैं वो पाकिस्तान में हो सकते हैं। यूएई कराची कोई बड़ा ट्रैवल नहीं है, जैसे अगर मान लीजिए आप मुंबई में मैच हो रहा है, चेन्नई में हो रहा है, तो चेन्नई की डिस्टेंस यूएई की डिस्टेंस आप मैच करिए लगभग थोड़ा ऊपर नीचे होगा लेकिन सेम ही है। तो इस तरीके का कुछ सीन कराची से बनता है, कराची से आप यूएई आ जाओ 3 घंटे की फ़्लाइट लेके, तो ऐसा ही कुछ सीन बनेगा। तो पाकिस्तान के पास यही ऑप्शन है कि भारत के जो मैचेस हैं वो आप यूएई में करा दो, बाकी आपको टूर्नामेंट जो कराना है आप करा लो अपना वहाँ पे। तो आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में, प्लीज़ कमेंट में अपनी राय दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है। रही बात 2050 का जो वर्ल्ड कप होना है भारत में, वो भारत में होगा, आप पार्टिसिपेट करें ना करें घंटा किसी को फ़र्क नहीं पड़ना है, नहीं पड़ना है, घाटा आपका है, और आप गिड़गिड़ाते हुए नाक रगड़ते हुए पार्टिसिपेट करोगे ये मैं लिख के दे देता हूँ, आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है।